कोरोना काल में पंचायत चुनाव बड़े पैमाने पर लोगों की जान ले रहा है। चाहे निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारी हों या कर्मचारी, अथवा चुनाव लड़ रहे या प्रचार करने वाले लोग, कोरोना की चपेट में आने के बाद दम तोड़ रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग उन मौतों को अपने रिकॉर्ड में भी नहीं दर्ज कर रहा है। शनिवार की रात पहला ब्लॉक के एआरओ मोहली के वनरंजर हरदोई निवासी कोरोना पीड़ित राममूर्त के निधन का समाचार आते ही निर्वाचन से जुड़े अधिकारी कर्मचारी सदमे में आ गए हैं। रविवार को वार्ड 38 से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी गंगा देवी के पद विकास भवन के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी कमलापुर कुतुब नगर के निवासी श्रीपाल वर्मा की कोरोना ने जान ले ली। बिहट गौर ग्राम पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी बीडीसी रहे भोगनाथ कोरोना से ग्रसित होने के बाद लखनऊ के पारस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिए। ब्लॉक रेउसा की ग्राम पंचायत लौकी के प्रधान पद के युवा प्रत्याशी अनिल भार्गव की मौत से ग्रामीण सदमे में आ गए। ब्लॉक मछेटा की ग्राम पंचायत बरसोहिया के 35 वर्षीय सुनील यादव की मौत से ग्रामीण भयभीत हो गए हैं। यह तो उदाहरण मात्र हैं। गांव में मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अभी पंचायत चुनाव के लिए 29 अप्रैल को होने वाले मतदान और 2 मई को होने वाली मतगणना तक कोरोना से मौतों की स्थिति कितनी विस्फोटक होगी, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना से गांव को बचाने पर जोर दे रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? पंचायत चुनाव उत्सव के बीच मातम क्यों मनवाया जा रहा है? इस पर हर कोई चुप है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।